नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिशा रवि के समर्थन में लगातार उठ रही हैं आवाजें। जेएनयू देशद्रोह मामला, 5 साल बाद कन्हैया उमर को समन। सांपला महापंचायत, लगातार बढ़ रही है किसानों की ताकत। कोलकाता रैली के दौरान पुलिस बर्बरता से घायल DYFI कार्यकर्ता की मौत। पांचवी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट, पिछले 24 घंटों में सामने आए 9084 नए मामले। 21 साल की जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले पर दिल्ली पुलिस और सरकार की निंदा की जा रही है। दिशा फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम के एक वैश्विक संगठन से जुड़ी है जो जलवायु संकट के लिए काम करता है। दिशा पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर किसान आंदोलन से जुड़ी एक टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा की थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिशा की गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे सत्ता का निर्लज्ज इस्तेमाल बतलाया। आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। देखिए न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट। वी आर टुडे हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ अ यंग एनवायरमेंटलिस्ट दिशा रवि एंड ऑल्सो टू डिमांड दैट ऑल दोज पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड इन फैब्रिकेटेड केसेस दे शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली। ये जो सरकार है, जब से ये आया है 2014 में पावर में, तब से हम देख रहे हैं कि जो भी तबका इनके खिलाफ आवाज़ उठाया है वो इधर एंटी नेशनल कहलाया है, टेररिस्ट कहलाया है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाया है, खालिस्तानी कहलाया है। ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको आज हमारे नरेंद्र मोदी ने ब्रांड नहीं दे दिया है। इट्स रियली अ स्केरी टाइम, लाइक पीपल कैन नॉट सी व्हाट दे वांट, दे कैन नॉट speak up their minds, and even for tweeting something like the toolkit which is being talked about, it's just something like, you know about the farmers movement, and if you feel that you are in their side, then you can, you know, tweet in this way. These are things which are available on public platform. People take classes on social media marketing strategies. तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पहले तो ये अलग अलग अटैक्स कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे लगातार अटैक कर रहे थे, अब तो इन्होंने इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। एंड एक वो कोशिश कर रहे हैं एज इफ इट्स अ कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी है जिसमें क्या है, ट्विटर स्टॉर्म है कॉन्स्पिरेसी आपका। विद द अरेस्ट ऑफ दिशा, विद द अरेस्ट ऑफ नवदीप कौर, इट इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर दैट एनीबॉडी इन दिस कंट्री राइट नाउ, एनी यंग पर्सन फ्रॉम एनी आइडियोलॉजी, if they are going to speak in defense of farmers, if they are going to speak in defense of climate, if they are going to speak in defense of equality or justice, they will be booked under sedition. And if you are from some marginalized community, then you will be booked under UAP. It's all clear now. To hame aaj is daur mein ye zarurat hai ki hum sab milke sadkon pe utrein aur baar baar utrein aur is sarkar ko bataye ki aapki jo ye fascist sarkar hai isko hum nahi chalne denge aur hum apna desh dobara reclaim zarur karenge. Because the more you are going to repress, the more dissent is going to spread. That is what we are here to say. We are not afraid. Aur मुझे लगता है कि आगे के दौर में ये रिप्रेशन और मजबूत होगा, लेकिन उसी के साथ जो हमारा प्रोटेस्ट होगा, जो हमारा इनके खिलाफ लड़ाई होगा, वो और मजबूत होगा। पांच साल बाद दिल्ली के एक कोर्ट ने पूर्व JNU SU और CPI नेता कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों को समन जारी किया है, जिसमें उमर खालिद भी शामिल हैं। न्यायाधीश ने एक ऑनलाइन हियरिंग से सभी आरोपियों को ट्रायल के लिए बुलाए हैं। कन्हैया कुमार पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर JNU परिसर में फरवरी 2016 में किए गए एक जुलूस का समर्थन करने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोप है। आपको बता दें कि कन्हैया पिछले साल बिहार चुनाव में एक प्रमुख विपक्षी महागठबंधन के प्रचारक भी थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल बीतने के बाद सोमवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, एक्का हुसैन, मुजीब हुसैन गैटू, मुनीब हुसैन गैटू, उमर गुल रसूल, बशारत अली और खालिद बशीर भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए कहा कि अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह विभाग GNCT द्वारा पहले ही दायर की गई है। आरोप पत्र पर
सावधानी पूर्वक अध्ययन और मटेरियल पर विचार करने के बाद सभी आरोपी व्यक्तियों को समन किया गया है और उन्हें 15 मार्च 2021 को कोर्ट में पेश होना है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के संघर्ष में अब अलग अलग जगह होने वाली महापंचायतों की अहम भूमिका बन गई है। इनके जरिए इस संघर्ष का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के सांपला में आज एक महापंचायत हुई। इसमें शामिल हुए हजारों किसानों में जाने माने वकील और प्रशासक चौधरी छोटू राम को भी याद किया। पंचायत में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। देखिए न्यूज क्लिक की जमीनी रिपोर्ट जिसमें किसान अपने संघर्ष की बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर परमजीत है और ये भतीजा मेरा माहिर इसका नाम है। हम लोग रोहतक से लगभग यहाँ पैदल चल के आ रहे हैं 40-45 किलोमीटर दूर, और आज क्योंकि चौधरी छोटू राम जी को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानूनों से लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई बहुत समय पहले चौधरी छोटू राम ने भी लड़ी थी और किसानों को उनके हक दिलाए थे। इसलिए जो इनको हम दोबारा याद करके दोबारा किसान आंदोलन के हम सारे भाई किसान नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि दोबारा अपनी आवाज़ को जो केंद्र सरकार की गलत नीति है उनके खिलाफ उठा सके। मेरा नाम सुमन है, हम रोधनगर से हैं और हम यहाँ आज सर छोटू राम की जयंती मना रहे हैं और उनके आदर्शों का पालन करेंगे। वो किसानों के मसीहा थे और 18 तारीख को हम रेल भी रोकेंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जनता अपनी मेहनत करके खावा सा है, अपना दिन रात अपने खेत में काम कर, अपने डांगरा न पाला, अपने बालका न संभाला, वो हमारी के परेशानी समझागा। 85 दिन हो गए, 85 थोड़े नहीं होते, 3 महीने के लो हो गए। उसने नू शर्म नियामती भैया बेटा बेटी सबके सड़क पे बैठे है, 250 से 32 बॉर्डरों पे जवान शहीद हो गए, हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी है। उसमें नू एक बार भी नहीं बोलता, एक बार भी नू नहीं कहता भाई हाँ चलो भाई मैं थारी साथ सू। सरकार की जो गलत नीति है उनसे आप देख रहे हैं, 80 दिन से के करीब आंदोलन के हो गए हैं, लोग वहाँ मर रहे हैं, सर्दी में गर्मी में बारिश में लेटे हुए हैं, वहाँ पर मक्खी है मच्छर है। सरकार को वहाँ ना पीने की कोई पानी की व्यवस्था करा रही है, ना कोई मेडिकल की उनको कोई सुविधा दे रही है, उल्टा वहाँ पर कभी कीले ठोकी जा रही है, कभी उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, कभी आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। इनकी संवेदना मर गई है, टावर टूटे हैं तो बड़ी तकलीफ हुई है और किसानों की जाने गई है तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है, और यहाँ तक है कि उनके जो मंत्री हैं वो बड़ी बेशर्मी से ठहाके लगा रहे हैं किसानों की मौत के ऊपर, बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं इनको मरना ही था, यहाँ ना मरते घर पे मरते। अब उनको ये नहीं पता कि 10 से ज्यादा लोग तो हमारे सुसाइड कर गए हैं, क्या घर पे कोई आत्महत्या करता? देश का एक बड़ा संत जिसको पूछते थे लोग, वो वहां मौके पे जाके मर गया, आत्महत्या गोली मार ली उसने अपने आप को, क्या ऐसा करते वो लोग? अपना हक ही तो ले रहे हैं हम, कोई भीख थोड़ी नहीं मांग रहे। जब उसने वोट लेनी हो, जब वो उसमें आया था रिवाड़ी में, वो कह के गया था हरियाणा में एक मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा, कानून लाऊंगा, किसान की दुगनी आमदनी होगी, हमारी दुगनी के वाह भी ना छोड़ी भाई उसने हमारी। जब मोदी सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार नहीं थी, तो वो लोग भी आंदोलन करते थे, क्या उन्होंने आंदोलन नहीं किया? ऐसी तमाम वीडियो है जिसमें वो भी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोग भी अपनी बात को सरकार के आगे रख सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, और 6 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री हो गए इतनी उनको गरिमा रखनी चाहिए कि लोग वहां मर रहे हैं उनके ऊपर हंस रहे हैं, नए नए जो शब्दों का आविष्कार कर रहे हैं कि आंदोलन जीवी है फलान है, ये बात उनकी गरिमा के लिए उनको शोभा नहीं देती। हम कोई भूत तो है नहीं, इंसान ही है, हमारी मांगे पूरी करे। राजा किसने बनाया? हमने ही बनाया था, तो राजा का फर्ज बनता है ना, प्रजा अगर दुख में है और प्रजा को दुख में डालने वाले भी वही है, तो प्रजा को दुख से बाहर वही निकालेंगे और उनको आना ही पड़ेगा और बात करनी ही पड़ेगी। अभी तो वो किसी तरह की को बात नहीं कर रहे हैं, वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर तक बैठेंगे जी, लेकिन हमारा इरादा है कि हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक बैठेंगे, टाइम कुछ भी लगे। देखिए पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहले वाली चोटें बेकार नहीं जाती, पहली वाली चोटें उसको कमजोर करती हैं। 11 फरवरी को नौकरियों और शिक्षा के लिए नबन्ना मार्च के दौरान
कोलकाता पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के बाद गंभीर रूप से घायल हुए बांकुरा के कोटुलपुर क्षेत्र के DYFI कार्यकर्ता मोदिल इस्लाम मिद्या ने सोमवार को दम तोड़ दिया। 11 फरवरी को नौकरियों की मांग करते हुए हजारों युवाओं ने उत्तरी कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट से राज्य सचिवालय या नबन्ना की ओर मार्च किया था, लेकिन SN बनर्जी रोड के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। जब बैरिकेड्स कूदने के बाद मार्च युवाओं ने आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें क्रूड लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। अभी भी कई कार्यकर्ता अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती हैं। DYFI के जनरल सेक्रेटरी अभय मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट में कार्यकर्ता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से युवाओं पर हुई इस बर्बरता की निंदा करते हैं और इस देश के युवा से यह आग्रह करते हैं सड़कों पर आए और अपना समर्थन दें। COVID-19 India.org द्वारा आज मंगलवार 16 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,084 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 82 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 11,793 मरीजों को ठीक किया गया है। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आज बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.